हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अमेरिकन बुली। हम इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्वालिटी और मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस, थर्ड पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है, फोर्थ पॉइंट प्राइस, जो प्राइस है इंडियन मार्केट में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिफ्थ पॉइंट क्या ये डॉग ब्रीडर्स के लिए प्रॉफिटेबल है। हिस्ट्री एंड ओरिजिन। ओरिजिन अमेरिकन बुली का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। अमेरिकन बुली एक हाइब्रिड ब्रीड है जो अमेरिकन स्टेपफोर्डशायर टेरियर, अमेरिकन पिटबुल टेरियर और अमेरिकन बुलडॉग्स के मिक्सचर से बनी है। अमेरिकन बुली जो ब्रीड है वो स्मॉल से लेके लार्ज कैटेगरी में सारे में अवेलेबल होती है। अमेरिकन बुली चार कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली पॉकेट, सेकेंड स्टैंडर्ड साइज, थर्ड क्लासिक और फोर्थ एक्सल। अमेरिकन बुली कैनल क्लब ने इसको 2004 में रजिस्टर्ड करा था। यूकेसी ने इसको 2013 में रजिस्टर्ड करा था एज अ कंपेनियन डॉग। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं क्वालिटी एंड मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस। तो हम पहले स्टैंडर्ड जो कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड कैटेगरी के जो डॉग होते हैं उसकी क्वालिटी कैसे चेक करें, उसको वो मीडियम साइज के होते हैं, कम्पैक्ट बल्कि मस्कुलर बॉडी होती है उनकी, हैवी बोन स्ट्रक्चर होता है उनका, और उसके मेल और फीमेल के बीच में जो हाई डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकन बुली मेल का जो हाइट है वो है 17 इंचज से लेके 20 इंचज तक, और जो फीमेल का हाइट है वो है 16 इंचज से 19 इंचज तक। और ये जो मैं हाइट वगैरह आपको बता रहा हूँ ये अमेरिकन बुली कैनल क्लब के जो जिसने इसको रजिस्टर करा था उसमें ये कैटेगरीज है, जो प्रॉपर हैवी बोन वाला स्ट्रक्चर होता है ये सेम होता है बिल्कुल, बस इनके ना हाइट का डिफरेंस होता है। जो पॉकेट साइज अमेरिकन बुली होता है उसके हाइट में मेल का हाइट है 17 से 14 इंचज, ज़्यादा से ज़्यादा 17 इंच और 14, कम से कम 14 इंच के बीच में मेल की जो हाइट होती है, और जो फीमेल की हाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 इंच होएगी और कम से कम 13 इंच होएगी। अब बात करते हैं एक्सल अमेरिकन बुली, इसके भी इसकी जो बॉडी साइज होती है सबकी सेम होती है, मस्कुलर होती है, हैवी बोन होती है, बड़ा ब्रॉड फेस होता है, माउथ होता है, और जो इनके माउथ और जो इनकी नेक के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। जो अमेरिकन पिटबुल है उनका जो उसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, और इनमें ये बिल्कुल ऐसा लगता है अटैच्ड है। और एक्सेल की हाइट मेल की 20 इंचज से लेके 23 इंचज तक होती है, और फीमेल की 19 से लेके 22 इंचज तक होती है। अब बात करते हैं अमेरिकन बुली क्लासिक्स जो साइज होता है, जो अमेरिकन बुली क्लासिक साइज है वो स्टैंडर्ड जो है ना स्टैंडर्ड की तरह सेम हाइट होती है उसकी, पर उस वो उससे थोड़ा लीन होता है। जो स्टैंडर्ड जो अमेरिकन बुली होता है उसके अंदर जो मसल्स होती है वो मस्कुलर ज़्यादा होता है, बस क्लासिक उससे थोड़ा कम मस्कुलर होता है, बाकी सारी हाइट वगैरह बिल्कुल सेम होती है। जो मैंने बताया अभी मेल की हाइट होगी उसकी 17 इंचज से 20 इंचज तक, और फीमेल की हाइट होगी 16 इंचज से 19 इंचज तक। कुछ अनऑफिशियल ब्रीड टाइप भी हैं वो बताता हूँ। जो पॉकेट साइज है ना उससे कई छोटे अमेरिकन बुली होते हैं उसको माइक्रो साइज बोलते हैं, और जो एक्सेल है उससे और हाइट में बड़े होते हैं उनको डबल एक्सेल साइज बोलते हैं, पर ये किसी भी कैनल क्लब के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है। अमेरिकन बुली का टेम्परामेंट बहुत अच्छा होता है, ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते। जो अब जो पिटबुल है और अमेरिकन बुली को लोग सेम समझते हैं, ज़्यादातर इंडिया में ये मिसकंसेप्शन है कि अमेरिकन बुली और पिटबुल को सेम समझते हैं। पिटबुल भी इतना एग्रेसिव नहीं है, जो उसको बदनाम कर रखा है इतना ज़्यादा, पर जो अमेरिकन बुली है ये स्टूडेंट्स मतलब अगर कोई बंदा रखना चाहता है अपने साथ तो वो रख सकता है, और ये छोटे जो बच्चे होते हैं किड्स होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी तरीके से रहेंगे, उनके साथ जेंटली बिहेव करेंगे। ये इनका शॉर्ट कोट होता है तो आपको इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग के लिए इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। अगर किसी के पास टाइम नहीं है ग्रूमिंग के लिए, मतलब उनका इतना टाइम नहीं दे सकते किसी डॉग को ग्रूमिंग के लिए, तो ये डॉग आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अब सबसे मेन पॉइंट, अगर
स्किनी का कई लोगों का अपार्टमेंट होता है, छोटा जगह होती है, हाउस में कम स्पेस होती है, या फिर कई लोगों का बहुत बड़ा फार्म हाउस होता है, या फिर किसी को वॉचडॉग की तरह लेना है, तो ये अमेरिकन बुल्ली के जो साइज मैंने भी आपको बताए थे, ये सारे उन चीजों में फिट होते हैं। जिसको अगर स्मॉल अपार्टमेंट के लिए लेना है, ज्यादा स्पेस नहीं है, तो आप, मैंने अभी बताया था, पॉकेट साइज अमेरिकन बुल्ली की तरफ जा सकते हो। वो इतनी ज्यादा स्पेस लेगा नहीं और छोटा साइज में छोटा होता है और उसको इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं होगी। और अगर आपके पास फार्म है, आप बहुत अच्छा बड़ा है आपके पास, जैसे बैकयार्ड है या फिर बड़ा घर है, तो आप एक्सेल की तरफ जा सकते हो, एक्सेल अमेरिकन बुल्ली। तो इस ब्रीड में ऐसे यू नहीं है कि कोई नहीं रख सकता, दोनों वाले में इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि जो अगर आपके पास ज्यादा स्पेस है तो आप ये ले सकते हो, और अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप ये ले सकते हो। और इसी तरह एक्सरसाइज में, जो ज्यादा उसमें बड़ा होगा तो उसको एक्सरसाइज के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि कैलोरीज इनटेक ज्यादा हो जाती है उसके अंदर, और उसको बर्न करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए और ज्यादा बड़ी स्पेस चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको गार्ड डॉग की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा, मतलब गार्ड डॉग की तरह बिहेव करेगा अगर आप इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाएंगे। अगर ये आप इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से गार्ड डॉग की तरह बिहेव करेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, प्राइस, अमेरिकन बुल्ली का प्राइस इंडिया के अंदर। अमेरिकन बुल्ली का प्राइस 20,000 से स्टार्ट हो जाता है, और ये ऊपर कितना ही ले जाओ इसको आगे तक, पर अगर आपको KCI से रजिस्टर्ड अमेरिकन बुल्ली चाहिए, कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड, वो आपको 40,000 से 60,000 के बीच में मिलेगा। और अबव कितना ही चले जाओ, ये 60,000 80,000 का भी मिलता है, 1,00,000 का भी मिलता है, और इससे ऊपर भी चले जाते हैं जो हाई, मतलब रॉयल ब्लड लाइन के डॉग होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी में एक प्योर बढ़िया क्वालिटी का डॉग चाहिए। ये सारा रेट क्वालिटी के हिसाब से और ब्लड लाइन के हिसाब से होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी कि क्या ये डॉग ब्रीडर्स के लिए प्रॉफिटेबल है इंडियन मार्केट में, और कौन कौन इनकी ब्रीडिंग कर सकता है आसानी से। तो इसमें मेन पॉइंट ये है, जैसे कई शौकीन लोग होते हैं हमारे हरियाणा और पंजाब की तरफ, कई लोग शौकीन होते हैं और इस तरह ज़्यादा भी मिलते हैं, तो वो लोग इसको अच्छे रखते हैं और इसकी ब्रीड लेते हैं और अपने शौक के लिए और बढ़िया ब्रीड लेके आते हैं, तो इसको एज ए शौक की तरह भी रखते हैं। और इसका अगर, मतलब ये प्रॉफिटेबल है, लोग इसको खरीदते भी है। तो और अगर जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये एक चांस हो सकता, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको भी शौक है और आप इसको रखोगे तो आप इसकी ब्रीड ले सकते हो, और ये मार्केट में आज के टाइम पे डिमांडेबल है, तो ये आराम से बिक जाएगा अगर आप अच्छी क्वालिटी, अच्छा डॉग रखोगे, बढ़िया उसको खिलाओगे और बढ़िया उसको बनाओगे। तो यही थे हमारी अमेरिकन बुल्ली के ऊपर वीडियो। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।